है जहां पदयात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है और करंट लगने से एक पदयात्री की मौके पर ही मौत हो गई है और इस हादसे में 4 पदयात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल पदयात्रियों को भीलवाड़ा MG चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। वहीं रायला थाना इलाके की इरास गांव की घटना बताई जा रही है जहां चीना का खेड़ा गांव से झातल भिरोजी की ये पदयात्रा की जा रही थी। इरास में बिजली की 11,000 KV लाइन से झंडा टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। रायला और गुलाबपुरा पुलिस इस कार्रवाई में जुट चुकी है और कुल मिलाकर के 60 श्रद्धालु पदयात्रा में शामिल थे जो कि इस दौरान चोटिल हो गए, जिनको नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि इस हादसे के अंदर 4 पदयात्री जो हैं, जो पदयात्रा कर रहे थे, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 2 गंभीर रूप से घायल पदयात्रियों को भीलवाड़ा के अस्पताल में रेफर किया गया है। करंट से एक पदयात्री की मौके पर ही जबकि मौत हो गई थी। तो पदयात्रा के दौरान ये बड़ा हादसा होता है और इस हादसे की एक बड़ी वजह थी क्योंकि ये चेना का खेड़ा गांव से झातल भिरोजी की पदयात्रा जब की जा रही थी तो इरास में बिजली की 11,000 KV लाइन से झंडा टकराने की वजह से ये हादसा हो जाता है और रायला और गुलाबपुरा पुलिस इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है उसमें जुट चुकी है। कुल मिलाकर के 60 श्रद्धालु उस वक्त पदयात्रा कर रहे थे लेकिन जैसे ही हादसा होता है तो उसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो जाती है। 4 इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों को आगे रेफर कर दिया गया है अस्पताल में। तो ये हादसे के अंदर 4 पदयात्री जो कि घायल हुए हैं।